हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे मलाई की सब्ज़ी। ये बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करें। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो प्याज लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है, एक टमाटर को बारीक कट कर लिया है, 200 ग्राम पनीर लिया है, धनिया के पत्ते लिए हैं और नींबू और मिर्ची लिया है मैंने। तो अब मैंने एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो जब ये गर्म हो जाए तब इसमें तेल डाल दें 2 चम्मच। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 छोटी इलायची डालेंगे। मैं यहाँ पे छोटी इलायची डाल रही हूँ, आप चाहे तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर दें। तो अब इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और इसे कवर कर दें। तो 2 मिनट हो गए, आप इसका लेड हटा लें। अब इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल दें। हम लोग ने जो प्याज को चॉप करके रखा था वो डाल देंगे इसमें। तो अब इसे भून लें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। मैंने नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर डाल दें, 1/2 छोटी चम्मच। अब इसे मिक्स करें अच्छे से। अब हम एक काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला ना जले। अब इसे ढककर रख के और 5 मिनट के लिए पकाएं। तो मैंने इसे ढक दिया है, 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे ढक दें। इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। और देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें लाइम जूस डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप। और अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लें। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। मैंने 1/2 कप मलाई लिया है। मैंने ये घर का मलाई लिया है, आप चाहे तो सुपरमार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब इसे चलाते रहेंगे तो मलाई फट जाएगी। तो अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये पक चुका है। आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं, इससे बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। तो अब इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे, इससे बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, आप चाहे तो पनीर डाल सकते हैं वरना आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर डाला है इसमें।
अब इसे अच्छे से मिक्स करके 3 से 5 मिनट के लिए पका लें। तो अब ये बन चुकी है और भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करें। अब गैस के फ्लेम को बंद कर लें। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ एक बॉल में निकाल रही हूँ इसे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।